इस वीडियो में हम देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 45। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार 1200 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए कम होती। उसने कितनी किताबें खरीदी है हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना किताबों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि किताब की जो संख्या है वो x है और प्रत्येक किताब का कीमत y रुपया है। किताबों की संख्या x हो गया और प्रत्येक किताब का जो कीमत है वो y रुपया है। तो यदि किताबों की संख्या x और एक किताब की कीमत y रुपया है, अर्थात x इंटू वाई, हम यदि किताब की संख्या में किताब की कीमत से गुणा कर दें तो वो हमें कुल पैसे पता चल जाएगा, अर्थात वो 1200 रुपए। 1200 रुपए में वो एक किताब ही खरीदी और किताबों की संख्या जो है x है और किताब का जो कीमत है वो y है। हम यहां से x बराबर 1200 बटा y, अर्थात इसे हम समीकरण एक लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है, यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता, इसी राशि में अर्थात 1200 में ही 10 किताबें अधिक, अर्थात पहले लिया था x, तो अब हो गया वो x प्लस 10, 10 किताबें अधिक, तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए कम हो जाता, अर्थात पहले किताब का कीमत था y, तो अब कहता है कि 20 रुपया कम हो जाता और हमारा पैसा तो 1200 ही है, तो बराबर में हो जाएगा 1200। अब हम क्या करते हैं, इसमें x का मान रख देते हैं, जहां x है वहां रख देंगे, सॉरी सबसे पहले गुणा करने काम करते हैं, तो x से y में गुणा करेंगे, ये x y हो जाएगा, फिर x से हम 20 में गुणा करते हैं, माइनस 20 x हो जाएगा, फिर 10 से हम y में गुणा करते हैं, 10 y हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 से हम 20 में गुणा करेंगे तो माइनस में 200 बराबर में हो जाएगा 1200। अब इसमें हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं समीकरण एक से, तो जहां x है वहां रखेंगे 1200 बटा y गुना y माइनस ये 20 है, तो 20 लिखेंगे गुना x की जगह ये 1200 बटा y जोड़ 10y माइनस 200 बराबर 1200। अब यहां एक y से y कट गया तो हमें मिला 1200 माइनस 1200 में 20 से गुणा करते हैं, 12 दुना 24, ये 24000 बटा y हो गया जोड़ 10y माइनस 200 बराबर 1200। अब इधर भी प्लस में 1200, इधर भी प्लस में 1200, दोनों कट गया, तो अब हमें मिलेगा माइनस 24000 बटा y जोड़ 10y, और हम 200 को RHS भेज देते हैं, अब ये माइनस में है, जब ये RHS जाए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ हम बटा में एक मान लिए, अब y और एक का जो LCM होगा वो y हो जाएगा, जब y से y में भाग देंगे तो एक मिलेगा और एक से 24000 में गुणा करेंगे तो ये माइनस में 24000 ही रहेगा, अब प्लस है तो प्लस, एक से y में गुणा करेंगे सॉरी एक से y में भाग देंगे तो y मिलेगा, और y से 10y में गुणा करें तो 10y स्क्वायर बराबर ये 200 हो जाएगा। अब यहां बटा में एक मान लेते हैं और इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे, जब क्रॉस गुणा करेंगे एक से इसमें गुणा करेंगे इतना ही रह जाएगा, अर्थात ये माइनस में 24000 प्लस 10y स्क्वायर बराबर y से 200 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200y। अब हम इसे सजा कर लिख लेते हैं, तो जिसका घात ज्यादा है अर्थात जिसका पावर ज्यादा है उसे पहले लिखते हैं, तो y का पावर 2 है तो 10y स्क्वायर, अब ये प्लस में है, जब इसे LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में 200y हो जाएगा और ये माइनस में 2400 बराबर हो गया 0। अब यहां से हम 10 को कॉमन कर लेते हैं, जब 10 को कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस
20y और ये माइनस 2400 और बराबर में हो जाएगा जीरो। अब हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2400 बराबर जीरो बढ़ना 10, अर्थात y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2400 बराबर जीरो। हम जानते हैं जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो जीरो होता है। अब यहां हमें यह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण से हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ y स्क्वायर का जो गुणांक 1 है, इस 1 से हम 2400 में जब गुणा करेंगे तो हमें 2400 ही मिलेगा। 1 गुना 2400 अर्थात ये 2400 हो जाएगा। अब इस 2400 का गुणनखंड करके हमें 20 लाना है, अर्थात 24 का कैसे गुणनखंड करें ताकि हमको 20 आ जाए। तो यदि हम 60 में गुणा कर दे 40 से तो हमें 2400 प्राप्त होगा, और माइनस में 20 लाना है तो हम 40 में से क्या करें 60 घटा देंगे तो माइनस में हमें 20 मिलेगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 60y माइनस 2400 बराबर हो गया जीरो। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। अब इसमें भी y, इसमें भी y, y कॉमन करेंगे तो y प्लस 40 माइनस, यहां से 60 कॉमन करते हैं तो y माइनस से माइनस कॉमन के तो प्लस, और ये हो जाएगा 40 बराबर जीरो। चूंकि 40 गुना 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60, 60 कॉमन कर लिए तो हमें यहाँ 40 मिलेगा। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो y प्लस 40 और ये y माइनस 60 बराबर हो जाएगा जीरो। अब इसे हम y प्लस 40 बराबर जीरो तो y बराबर माइनस में 40 मिलेगा, और y माइनस 60 बराबर जीरो तो y बराबर हमें प्लस में 60 मिलेगा। तो माइनस में कभी भी किताबों की जो कीमत है वो माइनस में कभी हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो प्लस में होगा, इसीलिए माइनस 40 ये असंभव है, असंभव है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो किताबों का जो कीमत है, किताबों का कीमत बराबर वो है 60 रुपया। जब किताबों की कीमत पता चल गया 60 रुपये तो हमें कितनी किताबें खरीदी, हमें किताबों की संख्या पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में तो x बराबर है 1200 बटा y, तो y की जगह 60 रख देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो, ये 6 गुना 12 अर्थात ये 20 हो गया, अर्थात x का जो मान होगा वो 20, अर्थात किताबों की जो संख्या होगा वो हमारा 20 हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।